एक बार ऑडियो वीडियो कंफर्म करिएगा। क्लियर है? चलिए तो कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं पहले, फिर उसके बाद डिजिटल वाले पार्ट पे चलेंगे जहां से हमने कल स्किप किया था, मतलब छोड़ा था। तो ओपैम्प के, सॉरी, ऑसिलेटर्स के कुछ क्वेश्चंस लगाते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, थ्री आइडेंटिकल एम्पलीफायर्स आइडेंटिकल एम्पलीफायर्स ईच हैविंग अ वोल्टेज गेन ऑफ 50 आर कैस्केडेड टोटल गेन ऑफ 50 आर। एम्पलीफायर से रिलेटेड क्वेश्चन है बट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी से रिलेटेड क्वेश्चन एक इंपॉर्टेंट आता है आपके ऑसिलेटर में। तो बताइए कितना होना चाहिए इसका आंसर। वन टू फाइव ट्रिपल जीरो। तो देखिए, यस सही है आपका आंसर। अगर जितने भी एम्पलीफायर आपस में कैस्केडेड हैं, टोटल अगर हम गेन निकालें तो सभी का जो इंडिविजुअल वोल्टेज गेन है वो मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक, तो अगर हम यहाँ पे ओवरऑल गेन की बात करें, जैसे यहाँ पे तीन एम्पलीफायर आपस में कैस्केडेड हैं, एक ये, एक ये, इसका जो गेन है वो दिया गया है 50, इसका गेन दिया गया है 50, इसका गेन दिया गया है 50, तो ये कहलाएगा ओवरऑल गेन। तो ओवरऑल गेन में क्या किया जाता है, सारे गेन्स का मल्टीप्लीकेशन। 50 × 50 × 50, तो ये आपका हो जाएगा 125000। मतलब यहाँ पे हमने दिया है इनपुट, यहाँ पे हमें मिल रहा है हमारा आउटपुट। तो अगर ये इनपुट में हमने 1 अप्लाई किया, ठीक, या 1 की जगह कुछ भी मान लीजिए 5 अप्लाई किया, तो आउटपुट में अब हमें क्या मिलेगा, 5 × 125000।
तो यहाँ पे ये क्वेश्चन कराने का मेरा मतलब ये था कि इससे रिलेटेड दो तरह के क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन ये है, केस वन है ये, इसी से रिलेटेड है केस टू। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया, तीन एम्पलीफायर है, तीन या तीन से ज्यादा भी हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं, यहां से हम दे रहे हैं इनपुट, यहां से हमें मिल रहा है आउटपुट। अब ध्यान दीजिएगा, यह हर बॉक्स एक एम्पलीफायर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक। तो यहां पे गेन था 50, अब जो गेन दिया गया है वो डेसीबल में दिया गया है, 50 डीबी। जरूरी नहीं है कि सारे जो है वो सेम हो, ये 50 डीबी है तो ये आपको एग्जाम में 25 दे सकता है, 30 दे सकता है, कुछ भी दे सकता है। तो यहां पे ओवरऑल गेन क्या होगा, क्या ये 125000 डीबी हो जाएगा? अगर ये डीबी में दिया गया है तो हमेशा इसे ऐड कर दीजिए, 50 + 50 + 50 75 डीबी। बताइए, आवाज नहीं आ रही आपकी अच्छे से, क्लियर नहीं आ रही। ये ओवरऑल मैंने अप्रोक्सीमेट बताया है, अगर आपको एग्जाम में आता है तो आप कैसे 20 log, ये log 20 नहीं होगा, मतलब 20 log 125000। अगर डीबी में आपको कन्वर्ट करना है किसी भी टर्म को तो आप क्या करोगे, 20 log ले लीजिए उस टर्म का। तो आप एग्जाम में, आपको कैलकुलेटर आई थिंक अलाउ तो होगा नहीं, तो मैंने ये एक अप्रोक्सीमेट तरीका बताया है निकालने का विदाउट कैलकुलेटर। अगर इसको 20 log समथिंग से 50 डीबी + 50 डीबी + 50 डीबी तीनों को ऐड कर दीजिए, आपको मिलेगा 75 डीबी। सॉरी, ये 75 कैसे आ गया, मतलब एडिशन कर दीजिए 150, राइट। इसको अगर आपको कैलकुलेट करना है तो आप कैलकुलेट कर लीजिए 20 log समथिंग से, या जरूरी नहीं है आप डायरेक्टली कर लीजिए क्योंकि आपके एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता। इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन आता है जो कि ऑसिलेटर से रिलेटेड है, इसीलिए मैंने ये वाला क्वेश्चन कराया है। तो वो ऑसिलेटर वाला क्वेश्चन करते हैं, सेकेंड क्वेश्चन। 3 identical amplifiers, each having gain of 2 ∠60 are connected in cascade. The positive feedback loop
पॉजिटिव फीडबैक लूप हैज अ गेन ऑफ जीरो पॉइंट जीरो जीरो एट. फाइंड द वैल्यू ऑफ ए. फाइंड द वैल्यू ऑफ ए. सॉल्व करिए इसको. यहां पे सीधे सीधे ऑसिलेटर का क्वेश्चन है. कैसे पता चला ये ऑसिलेटर का क्वेश्चन है? ऑसिलेटर का क्वेश्चन ऐसे पता चला कि यहाँ पे पॉजिटिव फीडबैक दिया गया है. तो यहां से आप क्या कॉन्क्लूड कर सकते हो कि ये एक ऑसिलेटर से रिलेटेड क्वेश्चन है. सॉल्व करिए, देखते कितना आता है. दो मिनट का, तीन मिनट का टाइम लीजिए और इसे सॉल्व करिए. सिंपल सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगेगा बस. देखिए इसे कैसे सॉल्व करना है. जो नॉर्मल ओपैम सॉरी ऑसिलेटर के ब्लॉक डायग्राम्स बनते हैं वो कैसे बनते हैं? ये फॉरवर्ड गेन है और यहां से हमने टैप किया हुआ है अपना आउटपुट और ये है फीडबैक गेन. यहां से हम दे रहे हैं इनपुट ए टेन नो एंगल. मैं ऑप्शन चेक करता हूं. अच्छा, ए की वैल्यू आ रही है 10 और एंगल 0 आ रहा है. ये होता है ए फॉरवर्ड गेन, ये होता है बीटा और ये है प्लस यानी पॉजिटिव फीडबैक. ठीक, इसका मतलब है पॉजिटिव फीडबैक. क्या बोला जा रहा है कि हमारे पास तीन एम्पलीफायर हैं और तीनों कैस्केड में कनेक्टेड हैं. हर एक एम्पलीफायर का जो गेन है वो दिया गया है ए बाई टू एंगल 60. तो तीन एम्पलीफायर कनेक्टेड हैं तो ओवरऑल गेन कितना हो जाएगा कैस्केड में? ए बाय टू एंगल 60 इंटू ए बाय टू एंगल 60 इंटू ए बाय टू एंगल 60. तो डायरेक्टली हम इसका क्यूब कर दें तो ये हो जाएगा ए क्यूब बाय टू एंगल 180. ये चीज क्लियर हो गई.
अब हमें ओवरऑल गेन मतलब इसकी वैल्यू मिल चुकी है, इसको ए नॉट कर लीजिए। तो मान लीजिए हमें ए नॉट की वैल्यू मिल चुकी है, ये बीटा दिया गया है, तो ए की वैल्यू कैसे निकालोगे आप? ओमांग का आंसर आ रहा है 10, तो और किसी का भी 10 आ रहा है, हाँ सॉरी 8 आएगा, और किसी का भी 10 आ रहा है, अब ये ओपैम, सॉरी मैं ओपैम क्यों बोल रहा हूं बार बार, ये ऑसिलेटर का क्वेश्चन है, तो ऑसिलेटर को प्रॉपर वर्क कराने के लिए बारकाउशन क्राइटेरिया का सेटिस्फाई होना जरूरी है। बारकाउशन क्राइटेरिया का सेटिस्फाई होना जरूरी है मतलब ए बीटा इज इक्वल टू 1 एंगल 0 या 360, ऐसा बोल सकते हैं। तो ए बीटा, ए की वैल्यू हमें दी गई है कितनी, ए क्यूब बाई 8, ए क्यूब बाई 8 मल्टीप्लाई बाई बीटा हमें दिया गया है 0.008, मैग्नीट्यूड ले लेते हैं पहले, ठीक, इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड कंपेयर कर लीजिए यहाँ पे 1, मतलब ए बीटा का जो मैग्नीट्यूड है उसका प्रोडक्ट हमेशा कितना आना चाहिए, आपको मिलना चाहिए 1, तो ए क्यूब बाई 8, या यहीं से अगर आप कैंसिल आउट कर दो तो ये मिलेगा 0.001, तो ए क्यूब की वैल्यू मिल जाएगी आपको 1000, तो ए की वैल्यू मिल जाएगी 10। और यही ए की वैल्यू हमसे पूछा जा रहा है, तो ए की वैल्यू हो जाएगी आपकी 10। ये चीज क्लियर है। अब यहाँ पे अगर ऑटोमेटिकली आपसे पूछ लिया जाए कि बीटा का एंगल कितना होना चाहिए, तो आप क्या बताओगे? बीटा का एंगल हमें गिवन नहीं है, बट अगर आपसे पूछ लिया जाए क्या होना चाहिए, गुड 180। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। या क्या सभी को समझ में? अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, थर्ड क्वेश्चन बताइए। तो ये इसमें एक डाउट है, जैसे ए ने ए हम ओवरऑल तीनों का कैस्केड लेके किया ए बाय 2 को क्यूब किया, पर बीटा जो हम लोग सिर्फ एक का लिया ना, या हम लोग ऐसे कर सकते जैसे कि तीन है नहीं, देखिए जो ऑसिलेटर, जो ऑसिलेटर का प्रॉपर जो ब्लॉक डायग्राम बनता है वो कैसा बनता है, हम यहाँ पे जो फॉरवर्ड पाथ गेन लेते हैं वो किसी एक एम्पलीफायर का नहीं लेते, ये कंबाइंड गेन है, तो इस कंबाइंड गेन का जो फीडबैक पाथ होगा उसका भी गेन टोटल होगा, किसी एक का नहीं होगा। किसी एक का आप कैसे निकाल सकते हो, यहाँ पे तीन आपके क्या है, कैस्केडेड है, तो जब तक आप तीनों का गेन नहीं निकालोगे तब तक आपको ओवरऑल आउटपुट नहीं मिलेगा, और जब तक आपको ओवरऑल आउटपुट नहीं मिलेगा आप फीडबैक नहीं दे सकते। इसलिए सबसे पहले आपको ओवरऑल गेन निकालना जरूरी है, क्योंकि जो फॉरवर्ड पाथ गेन है एक ऑसिलेटर के ब्लॉक डायग्राम में, जो कि मैंने शो किया है, जो फॉरवर्ड पाथ गेन ए यहाँ पे शो किया जा रहा है ये ओवरऑल गेन होता है, और जो बीटा है जो फीडबैक है ये आप ओवरऑल गेन को, जो बीटा है वो कंबाइंड गेन, कंबाइंड फीडबैक गेन होता है हमेशा। ओके सर, ठीक ठीक, आगे देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। कंसीडर द फॉलोइंग सर्किट्स, कंसीडर द following
सर्किट्स, ऑसिलेटर, सेकेंड एमीटर फॉलोअर, थर्ड एम्पलीफायर। क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग एबव सर्किट इंप्लॉयज, या ऐसा लिख लीजिए, विच ऑफ द एबव सर्किट कंसिस्ट ऑफ फीडबैक। आपके ऑप्शंस हैं 1 and 2, 2 and 3, 1 and 3, 1, 2 and 3। सी आ रहा है, उमंग ने ए बोला है, ए क्या है 1 and 2, तो क्या एम्पलीफायर में फीडबैक यूज नहीं करते? एम्पलीफायर में नेगेटिव फीडबैक यूज होता है, याद करिए, ऑसिलेटर में पॉजिटिव फीडबैक होता है, एमिटर फॉलोअर रिलेटेड है बीजेटी से, वहां भी हम यूज करते हैं फीडबैक, क्योंकि यहाँ पे एमिटर फॉलोवर में क्या होता है, जो आउटपुट है वो इनपुट को फॉलो करता है, सो ऑल ऑफ द अबव हैव फीडबैक, तीनों में फीडबैक प्रेजेंट होगा 1, 2 and 3। ठीक, दो चीज तो हमने पढ़ा हुआ है ना, कि ऑसिलेटर में पॉजिटिव फीडबैक यूज होता है, एम्पलीफायर में नेगेटिव फीडबैक यूज होता है, बट जल्दी जल्दी में हम क्या करते हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव में से हम जल्दी से मान लेते हैं कि पॉजिटिव ही फीडबैक होता है, जबकि दोनों फीडबैक है, यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं बोला जा रहा है कि पॉजिटिव फीडबैक कौन सा है, नेगेटिव फीडबैक कौन सा है, यहाँ पे सिंपली बोला जा रहा है कि कौन से सर्किट में फीडबैक होगा, तो पॉजिटिव ऑसिलेटर में, एम्पलीफायर में नेगेटिव, ये होता है बीजेटी में, ये देखेंगे हम आगे। इसी से ऑसिलेटर से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है, इसे सॉल्व करिए, अ वेन ब्रिज ऑसिलेटर is suitable for, पहले क्वेश्चन देख लीजिएगा पूरा, फिर आंसर करने की कोशिश करिएगा। 1, ऑडियो फ्रीक्वेंसी एप्लीकेशन, 2, रेडियो फ्रीक्वेंसी एप्लीकेशन, 3, very very high,
सो आगे क्या दिया गया है, करेक्ट एप्लीकेशंस आर ऑप्शन ए 1 and 4, ऑप्शन बी 1 only, ऑप्शन सी 2 only, ऑप्शन डी 1 and 3. डी है 1 and 3. आंसर करिए, देखिए इसको मैंने पढ़ाया हुआ है. तो इसका आंसर क्या होगा, सिर्फ ये ऑडियो फ्रीक्वेंसी के लिए एप्लीकेबल होता है. ऑडियो फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी की जो वैल्यू है वो लो फ्रीक्वेंसी में आती है. ऑडियो फ्रीक्वेंसी के लिए ये वेन ब्रिज एप्लीकेबल है, मतलब ऑप्शन बी. ऑडियो फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी पे अगर हम जाएंगे, बहुत ज्यादा कम फ्रीक्वेंसी पे जाएंगे, तब हमें वेरी लो फ्रिक्वेंसी मिलती है, तो वो होगा नहीं. वेरी हाई फ्रिक्वेंसी तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि वेरी हाई रेडियो फ्रिक्वेंसी से भी ज्यादा की फ्रिक्वेंसी कहलाएगी गीगा हर्ट्ज में. रेडियो फ्रिक्वेंसी एप्लीकेशन हमारा कौन सा होता है, LC ऑसिलेटर. तो यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन लिख लीजिएगा, वेन ब्रिज ऑसिलेटर. कैसा ऑसिलेटर है, RC ऑसिलेटर, ऑडियो फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर, ठीक. और जो LC ऑसिलेटर होते हैं वो होते हैं रेडियो फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर तो, और रेडियो फ्रीक्वेंसी मेगा हर्ट्ज में होती है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 1 only. अब एक क्वेश्चन मैं देता हूं, उसमें मैक्सिमम आप लोग गलत करोगे, तो देखिएगा. RC फेज शिफ्ट ऑसिलेटर, ये RC फेज शिफ्ट ऑसिलेटर से रिलेटेड क्वेश्चन है. तो आप सबसे पहले तो ये बता दीजिए कि जो RC फेज शिफ्ट ऑसिलेटर है ये ऑडियो फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर है या रेडियो फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर है. ये है ऑडियो फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर, ठीक. तो RC फेज शिफ्ट ऑसिलेटर सेटिस्फाइड बारकाउशन क्राइटेरिया ऑफ ऑसिलेशन. यह है स्टेटमेंट ए.
स्टेटमेंट बी क्या है, एनआरसी फेज शिफ्ट ऑसिलेटर satisfies, sorry, must use three equal valued resistors and three equal valued capacitors. आपके ऑप्शंस हैं ए है या एक सेकंड, इसको आप मान लीजिए स्टेटमेंट वन या ऐसा कर लीजिए इसको स्टेटमेंट एक्स मान लीजिए, इसको स्टेटमेंट वाई मान लीजिए। तो ऑप्शन ए क्या है, एक्स एंड वाई दोनों करेक्ट है, ओनली एक्स करेक्ट है, ओनली वाई करेक्ट है, कोई भी करेक्ट नहीं है। डी है ओनली एक्स, यस करेक्ट, सिर्फ ऑप मतलब एक्स करेक्ट है। एक्स क्या बोला जा रहा है कि जो आरसी फेज शिफ्ट ऑसिलेटर है वो सेटिस्फाई करना चाहिए बारकाउशन क्राइटेरिया को। बारकाउशन के दो बारकाउशन ने दो क्राइटेरिया दिया था, बारकाउशन ने दो क्राइटेरिया दिया था। पहला इसने बोला था कि ए और बीटा का जो मैग्नीट्यूड है वो वन होना चाहिए। दूसरा इसने क्या बोला था, ए और बीटा का जो एंगल है वो जीरो और 360 डिग्री होना चाहिए। तो ये सभी ऑसिलेटर के लिए जरूरी है, ठीक। अगर आपको स्टेबल आउटपुट चाहिए, स्टेबलाइज आउटपुट चाहिए, तो सभी के लिए ये जरूरी है। तो पहला तो सही है। अब बोला जा रहा है कि कोई भी आरसी फेज शिफ्ट ऑसिलेटर है उसमें ये मस्ट है, बहुत जरूरी है कि तीन इक्वल वैल्यू ऑफ रेजिस्टर और तीन इक्वल वैल्यू ऑफ कैपेसिटर होने चाहिए, जो कि गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि यहाँ पे लगा हुआ है मस्ट। इसने क्या बोल दिया कि तीन तीन का पेयर ही जरूरी है, अगर आप दो या चार ले लेते हो तो गलत हो जाएगा। लेकिन ये गलत है, आप अपने कैपेसिटर और रजिस्टर के वैल्यू के अकॉर्डिंग ये डिसाइड होता है कितने पेयर समय यूज करने हैं, ठीक। आप चाहो तो दो कर लीजिए, आप चाहो तो चार कर लीजिए, बट नॉर्मली हम तीन करते हैं अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नॉर्मली हमारे सिलेबस में तीन शो किया जाता है, क्योंकि दो शो करेंगे तो जो डेरिवेशन है वो बहुत आसान हो जाएगा, चार शो करेंगे तो जो डेरिवेशन है वो बहुत ज्यादा टफ हो जाएगा, इसलिए हम बीच में तीन ले लेते हैं। बट ये जरूरी नहीं है कि तीन ही होना चाहिए। आपको क्या करना है, ये आरसी फेज शिफ्ट का मतलब क्या है कि ये जो फीडबैक में हमने तीन कैपेसिटर और तीन रेजिस्टर लगाए हैं वो हमें 180 डिग्री का फेज शिफ्ट दे दे। तो तीन का पेयर भी 180 दे सकता है।
आप चाहो तीन का पेयर 180 दे रहा है, मतलब एक पेयर 60 डिग्री का फेज शिफ्ट दे रहा है आरसी का, आप चाहो तो उसमें 10 लगा लीजिए, एक पेयर 18 का फेज शिफ्ट दे देगा, तो टोटल 10 पेयर मिला के 180 डिग्री का फेज शिफ्ट दे देंगे। हमारा फाइनल एम क्या है कि ये जो फीडबैक पाथ में लगा हुआ है रजिस्टर और कैपेसिटर का पेयर, इससे हमें 180 डिग्री का फेज शिफ्ट मिलना चाहिए। कितने यूज हो रहे हैं इससे हमें मतलब नहीं है, ठीक, ये आ गया समझ में। एक और क्वेश्चन लगाइए, सिक्स्थ क्वेश्चन। हार्टले ऑसिलेटर सर्किट यूजेस a tapped inductor feedback Hartley oscillator circuit uses a tapped capacitor for feedback. Correct statement बताइए। X करेक्ट है, यस। हार्टले कैसा बनता है, हार्टले ऑसिलेटर का जो फीडबैक है वो कैसे बनता है, एक कैपेसिटर दो इंडक्टर, और जो इंडक्टर है दोनों इंडक्टर इनके बीच में हम क्या करते हैं, ग्राउंडिंग करते हैं। ठीक, ये ग्राउंडिंग बीच में की जा रही है L1 और L2 के, इसीलिए इसे हम क्या बोलते हैं, टैब्ड इंडक्टर फीडबैक। सेकेंड वाला किसके केस में ट्रू होगा, अगर हार्टले की जगह कौन सा ऑसिलेटर होता तो सेकेंड स्टेटमेंट ट्रू होता। सॉरी, कॉलपिट, वेरी गुड। यहां पे इंडक्टर, ये कैपेसिटर, और यहां पे हम कर देते क्या, ग्राउंडिंग, सी वन सी टू एल, ठीक, तो ये कॉलपिट हो जाता। अब एक क्वेश्चन आप करिए, ऑप्शन में अगर क्लैप ऑसिलेटर भी होता तो वो भी सही होता, हार्टले कॉलपिट क्लैप क्लैप ऑसिलेटर होता तो भी आपका सही हो जाता, क्योंकि यहाँ पे क्लैप में हम क्या करते हैं,
एक यहाँ पे एक एक्स्ट्रा कैपेसिटर लगा देते हैं, बट टैपिंग दो कैपेसिटर के बीच में की जा रही है, ये ग्राउंडिंग को ही हम क्या बोल रहे हैं, टैपिंग, तो भी आपका जो आंसर है वो सही हो जाता है। एक क्वेश्चन और करिए, फिर उसके बाद लेते हैं ब्रेक, फिर अपन चलेंगे डिजिटल पे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बनना चाहिए। मैच द फॉलोइंग है, मैच द फॉलोइंग, यहां दी गई है लिस्ट वन, लिस्ट टू, तो ए वेन ब्रिज ऑसिलेटर, वेन ब्रिज ऑसिलेटर, बी वोल्टेज शंट फीडबैक, सी क्रिस्टल ऑसिलेटर, डी करंट शंट फीडबैक। मैं इलेक्ट्रॉनिक पोर्शन वैसे बहुत कम पढ़ाता हूँ, मतलब ज्यादा क्लासेस मैं लेता हूँ इलेक्ट्रिकल की, मशीन मेजरमेंट पावर सिस्टम। लो इंपीडेंस, लो आउटपुट इंपीडेंस, सेकंड रेडियो फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर, ऑडियो फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर, हाई इनपुट इंपीडेंस, हाई आउटपुट इंपीडेंस। ऑप्शन मैं आपको दे देता हूं, ए ए बी सी डी, तो आपकी ऑप्शंस हैं बी सी डी, 2 1 3 5 3 4 2 1 5 4 2 1 3 1 2 5। डी और बी दो आंसर देखने को मिल रहे हैं, डी और बी दोनों अलग अलग है। देखिए दो चीजें तो यहां से बिल्कुल क्लियर है कि जो वेन ब्रिज ऑसिलेटर है वो ऑडियो फ्रिक्वेंसी ऑसिलेटर है, क्रिस्टल ऑसिलेटर जो है वो रेडियो फ्रिक्वेंसी ऑसिलेटर है। सो ए का 3 ये तो कंफर्म है, और सी का 2 ये तो कंफर्म है, सो बी या डी में से आंसर होना चाहिए। अब आपको बताना है बी है कि डी है। यहां पे देखिए सबसे पहले बात करते हैं करंट शंट की, तो यहां पे दिया गया है करंट, तो ये करंट हमें क्या शो कर रहा है,
सैंपलिंग, ठीक। और अगर आउटपुट में करंट है तो सैंपलिंग कैसे की जाती है, सीरीज। और सीरीज में हमेशा रेजिस्टेंस या इंपेडेंस इंक्रीज हो जाता है, सो आउटपुट विल इंक्रीज, हाई आउटपुट। तो बचा क्या, बी का फोर। सो थ्री फोर टू फाइव, सॉरी थ्री फोर टू, यहां पे सॉरी 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 गलती हो गई। हाई आउटपुट इंपेडेंस ये तो सही है, और ये हमने गलत कर दिया। वोल्टेज का मतलब शंट में सैंपलिंग करेंगे, शंट में वोल्टेज जो रेजिस्टेंस है वो डिक्रीज हो जाता है, तो ये वन आ जाएगा। सो ऑप्शन बी। ये चीज क्लियर है तो बताइए, फिर हम आगे चलते हैं। कुछ गलती हो रही है क्या अपने से? हाँ सर, नंबर फोर, सर नंबर फोर जो फाइव में आप बता रहे थे, ऑप्शन में वन। अच्छा हाँ हाँ हाँ, सॉरी सॉरी सॉरी। बी बी नहीं होगा, डी होगा आंसर। थ्री वन टू फाइव, ठीक। अब एक और क्वेश्चन ऐसा पूछा गया है कि अगर कोई भी ऑसिलेटर साइनोसोइडल वेव फॉर्म जनरेट कर रहा है तो उसे कौन सा ऑसिलेटर बोलेंगे। ये आया हुआ है क्वेश्चन, और ये मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, नोट चेक करिए अगर भूल गए हो आप। यस, और अगर कोई भी ऑसिलेटर अदर देन साइनोसोइडल वेवफॉर्म यानी ट्रायंगुलर, रेक्टेंगुलर, सॉटूथ, स्क्वायर ऐसा वेवफॉर्म जनरेट कर रहा है तो उसे किस नाम से, रिलैक्सेशन ऑसिलेटर, राइट। ठीक ठीक, ये दोनों क्वेश्चन आए हुए हैं। तो ब्रेक का टाइम हो गया क्या? चलिए कुछ देर का ब्रेक ले लेते हैं, 5 मिनट का, और फिर उसके बाद अपन आगे चलते हैं डिजिटल वाले पोर्शन पे जो कल हम पढ़ रहे थे। तो यार ब्रेक लेने पे ये स्टार्ट का जो बटन है वो फ्रीज हो जाता है, पता नहीं कैसे। चलिए देखते हैं, तो 5 to 7 मिनट्स का लेते हैं, राइट। कमेंट करके बताइए या कंटिन्यू करना है। चलिए तो ब्रेक ले लेते हैं 5 to 7 मिनट्स का, फिर कंटिन्यू करते हैं डिजिटल।
चलिए स्टार्ट करें। कल हम डुअल देख रहे थे, तो ऑनलाइन हो आप लोग या अभी ब्रेक पे ही हो मैसेज कर दीजिए अगर आप लोग हो यहाँ पे तो। चलिए वेरी गुड, स्टार्ट करते हैं। कल हम देख रहे थे डुअल, डुअल ऑफ लॉजिक एक्सप्रेशन, लॉजिक एक्सप्रेशन। लॉजिक एक्सप्रेशन का हम देखते हैं डुअल क्या होता है। तो डुअल का मतलब क्या होता है? डुअल का मतलब होता है जीरो को वन से और वन को जीरो में चेंज कर दीजिए, वो होता है आपका डुअल। और को एंड में कर दीजिए, एंड को और में कर दीजिए, ये होता है आपका डुअल। तो देखिए जो इसका स्टेटमेंट है वो मैंने कल लिखवा दिया था आपको कि डुअल ऑफ एनी लॉजिक क्वांटिटी इज ट्रू। डुअल ऑफ एनी लॉजिक क्वांटिटी इज ट्रू। ये स्टेटमेंट के फॉर्म में कई बार पूछा जा चुका है कि क्या किसी भी लॉजिक क्वांटिटी का जो डुअल है वो ट्रू होता है या नहीं, तो यस इट इज ट्रू। तो पॉजिटिव और नेगेटिव लॉजिक लेके देखते हैं। लेट अस टेक द एग्जाम्पल of positive and negative logic. अभी देखना positive और logic आप कैसे करते हैं, ध्यान से, बहुत easy है। तो case one लेते हैं positive logic का, case one लेते हैं हम positive logic का, पॉजिटिव लॉजिक। पॉजिटिव लॉजिक में मैंने क्या बताया था कि और का डुअल एंड होता है, एंड का डुअल क्या होता है, और होता है। तो यहां पे ध्यान दीजिएगा, अभी हम एंड की बात करते हैं। एंड का जो लॉजिक टेबल है वो कैसे बनता है, ए बी वाई, सो जीरो 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 वन वन जीरो वन वन, ये ए और बी की पॉसिबल वैल्यूज हैं। तो अगर ए जीरो है बी जीरो है, मैंने एंड के बारे में क्या जो स्टेटमेंट है वो लिखवाया था कि अगर आप चाहते हो कि एंड का आउटपुट वन मिले तो दोनों इनपुट का वन होना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे दोनों इनपुट कहाँ पे वन हो रहे हैं, सबसे लास्ट वाले में, तो सबसे लास्ट वाला आउटपुट वन हो जाएगा, दोनों इनपुट बाकी किसी में वन नहीं है, सो बाकी सारे हो जाएंगे जीरो। और का लॉजिक टेबल बनाते हैं, और का स्टेटमेंट मैंने क्या लिखवाया था वो एक बार चेक कर लीजिए, और ऑपरेशन का ए और बी की जो पॉसिबल वैल्यूज हैं वो नोट कर लेते हैं। सो ए बी और ये है वाई आउटपुट, जीरो 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 वन वन जीरो वन वन। और क्या होता है, एक तरह से एडिशन। तो और का स्टेटमेंट मैंने क्या लिखवाया था, अगर एटलीस्ट एक वैल्यू, एक इनपुट वैल्यू भी वन है
तो आउटपुट हमें क्या मिलेगा, वन, वन प्लस जीरो, जीरो प्लस वन, वन प्लस वन, इसमें कम से कम एक तो वन है, तो इसमें आउटपुट हमें क्या मिल जाएगा, वन। अगर एक भी वन नहीं है तो आउटपुट सीधा जीरो मिलेगा। तो देखते हैं, वन वन में एक वन मिल रहा है, मतलब एटलीस्ट वन है तो आउटपुट वन। वन जीरो में एटलीस्ट एक वन है, ए में वन है तो ये वन आ जाएगा। जीरो वन में बी वन है तो ये आ जाएगा वन। जीरो जीरो में कोई भी वन नहीं है तो ये आ जाएगा जीरो। ये है पॉजिटिव लॉजिक। अब बात करते हैं नेगेटिव लॉजिक का। नेगेटिव लॉजिक कैसे लिखते हैं देखिएगा, जस्ट उल्टा। केस टू, केस टू हो जाएगा नेगेटिव लॉजिक। तो ये हो जाएगा एंड। एंड का जो नेगेटिव लॉजिक है वो कैसे लिखेंगे, ये है ए, ए बी और ये है आउटपुट वाई। अब नेगेटिव लॉजिक लिखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जीरो जीरो वन वन नीचे से स्टार्ट करना है, ये होता है नेगेटिव लॉजिक। जीरो 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 वन वन जीरो वन वन, जस्ट उल्टा लिख देना है, इसको नेगेटिव लॉजिक बोला जाता है। तो एंड ऑपरेशन में मैंने क्या बताया था, दोनों वन होने चाहिए, तो ये हो जाएगा वन जीरो जीरो जीरो, करेक्ट। सिमिलरली ये और, इनपुट है दो हमारे पास ए बी और आउटपुट है वाई। तो देखिए नीचे से स्टार्ट करिए, जीरो 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 वन वन जीरो वन वन, और में मैंने क्या बताया था, कम से कम आपका एक और में मैंने क्या बताया था, कम से कम आपका एक क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, करेक्ट। अरे सॉरी एक सेकेंड, यहां पे मैंने आउटपुट रॉन्ग लिख दिया है, नेगेटिव लॉजिक में आपका ये हो जाएगा ट्रिपल वन जीरो, वन 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 जीरो, ये होगा आपका नेगेटिव लॉजिक। सिमिलरली जस्ट उल्टा हो जाएगा, मैंने बताया था ना कि जो जैसे यहाँ पे जीरो 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 वन वन जीरो वन वन फ्रॉम अपवर्ड्स टू डाउनवर्ड्स हमने लिखा था, सेम वही चीज आपको नीचे से ऊपर की तरफ लिखनी है, ठीक। और आपको क्या करना है, जस्ट उल्टा आउटपुट लिखना है जैसा कि हमने पॉजिटिव में लिखा था, पॉजिटिव का जस्ट उल्टा हमें लिखना है। तो अब देखिए और का जो आउटपुट है वो मुझे कैलकुलेट करके बताइए, नेगेटिव लॉजिक का और फंक्शन का आउटपुट मुझे बताइए। वन ट्रिपल जीरो, करेक्ट। जीरो, ठीक। तो यहां से आप क्या देख पा रहे हो मैंने यहां पे क्या बताया, और का डुअल एंड होता है, एंड का डुअल और होता है।
तो ये दोनों सेम है या नहीं देख के बताइए। सेम है ये दोनों सेम है या नहीं है। सेम है तो यहां से एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट लिखिएगा, क्रॉस वाले जो भी टेबल बन रही है वो दोनों सेम बन रही है, बट है क्या क्रॉस में एंड और की टेबल है। ठीक, तो ये जो स्टेटमेंट अब हम लिखने वाले हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो वी कैन से दैट, सो वी कैन से दैट डुअल इज नथिंग बट ट्रांसफरिंग ऑफ पॉजिटिव लॉजिक टू नेगेटिव लॉजिक। इस फॉर्म में भी आपको पूछा जा सकता है, ठीक, कि अगर पॉजिटिव लॉजिक और नेगेटिव लॉजिक और गेट का एंड गेट का सेम है तो ये कौन सी कंडीशन बनती है। तो ये कंडीशन बनेगी डुअल की, डुअल कंडीशन बनेगी। तो ये स्टेटमेंट आपको याद रखना है, इस फॉर्म में भी आपको पूछा जा सकता है। तो ये सिर्फ एक स्टेटमेंट लिखवाने के लिए हमने इतनी मेहनत करी है, मतलब ये लॉजिक एक्सप्रेशन बनाया है पूरा। तो ये स्टेटमेंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉजिक टेबल नहीं भी याद रहती है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक, इसके बाद आता है मिन टर्म क्या होता है, मैक्स टर्म क्या होता है। हेडिंग डाल लीजिएगा मिन टर्म एंड मैक्स टर्म। मिन टर्म एंड मैक्स टर्म क्या होता है। अगर आपसे एग्जाम में पूछता है कोई या इंटरव्यू में पूछा जाता है कि मिन टर्म और मैक्स टर्म क्या होता है, तो आप क्या बताओगे, मिन टर्म और मैक्स टर्म ये दो ऐसे मेथड्स हैं जिससे किसी भी लॉजिक एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट किया जाता है, या किसी भी लॉजिक एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट करने के दो मेथड हैं ये मिन टर्म और मैक्स टर्म। तो लिखिएगा दीज आर द मेथड्स to represent the logic expression। लॉजिक एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट करने के मेथड्स हैं ये दोनों, मीन टर्म और मैक्स टर्म। अब मिन टर्म और मैक्स टर्म को अलग अलग देखते हैं कि मिन टर्म क्या होता है, मैक्स टर्म क्या होता है। तो लिखिएगा मिन टर्म इसका जो स्टेटमेंट है वो लिखिएगा, अ मिन टर्म इज अ प्रोडक्ट टर्म A min term is the product term
अभी जब इसका एग्जांपल हम देखेंगे तब आप देखना कैसे रिप्रेजेंटेशन का तरीका है मिन टर्म का. अ मिन टर्म इज द प्रोडक्ट टर्म. तो सबसे पहला ही जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको क्या पता चला कि मिन टर्म एक प्रोडक्ट टर्म है. मतलब मिन टर्म अगर कहीं पे दिया गया है तो मतलब वो ए बी सी के फॉर्म में होगा, ए बार बी बार सी के फॉर्म में होगा. मतलब ए बी सी डी जितने भी वेरिएबल्स हैं सब मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में होंगे, उसे बोला जाता है मिन टर्म. ठीक. अ मिन टर्म इज द प्रोडक्ट टर्म इन विच ऑल द वेरिएबल्स आर प्रेजेंट तो मेन टर्म एक प्रोडक्ट टर्म है जिसमें सारे वेरिएबल्स का प्रेजेंट होना जरूरी है और ईच वेरिएबल रिप्रेजेंट आइदर इन कॉम्प्लीमेंटेड और अनकॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म, आइदर इन कॉम्प्लीमेंटेड और अनकॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म. तो देखिए अगर हम दो वेरिएबल का एग्जांपल लेते हैं, दो वेरिएबल का एग्जांपल लेते हैं आपको समझ में आ जाएगा, फिर चलेंगे थ्री वेरिएबल पे. ये है ए, ये है बी और ये है मिन टर्म रिप्रेजेंटेशन. तो चार वैल्यूज पॉसिबल हैं, 00, 01, 10, 11. ठीक. तो जो 00 है उसे रिप्रेजेंट किया जाता है ए बार, मतलब जीरो को बार से रिप्रेजेंट करेंगे यहां पे. और मैंने क्या बताया कि ये प्रोडक्ट टर्म होता है. तो ए और बी दो वेरिएबल हैं तो सबसे पहले दोनों का प्रोडक्ट होगा, और अगर जीरो है तो बार, जीरो नहीं है तो अनकॉम्प्लीमेंटेड यानी बार नहीं होगा. यहां पे भी सब ए बी का प्रोडक्ट होगा, पहले तो ये जान लीजिए आप, ए बी ए बी ए बी. ठीक. अब ए जीरो है तो ए का बार, बी जीरो नहीं है इसका बार नहीं होगा, ए वन है इसका बार नहीं होगा, बी जीरो है तो बी का बार, ए वन बी वन तो दोनों किसमें होंगे, अनकॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में. तो यहां से इसको बोल सकते हैं हम एम नॉट, एम वन, एम टू, एम थ्री. ठीक. चलिए तो अब आप यहां से मुझे ये बता दीजिए कि क्या दो वेरिएबल के लिए ए बी बार एक मिन टर्म है. यस सर. यस, ये मिन टर्म है. दूसरा एग्जांपल, क्या ए अकेला मिन टर्म है दो वेरिएबल के लिए? नो सर. दो वेरिएबल के लिए अकेला एक टर्म कभी भी मिन टर्म नहीं होता. क्यों नहीं होता? स्टेटमेंट पढ़िए. अ मिन टर्म इज द प्रोडक्ट टर्म इन विच All the variables are present. तो दो वेरिएबल है तो दोनों वेरिएबल का जो प्रोडक्ट है वो प्रेजेंट होना जरूरी है. तो इसे हम मिन टर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे?
तो ए तो है, ये नॉट मिन टर्म, ये मिन टर्म नहीं है। तो कैसे हम इसे मिन टर्म में कन्वर्ट करेंगे? तो ए हमारे पास है, इसे मिन टर्म बनाने के लिए हमें दूसरा वेरिएबल भी चाहिए, क्योंकि ये दो वेरिएबल के लिए हम बना रहे हैं। दूसरा वेरिएबल है बी, तो आप इसमें क्या करिए, ए अगर हम इसमें बी प्लस बी बार का मल्टीप्लीकेशन कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि बी प्लस बी बार क्या होता है बताइए, वन वन। तो ए में वन का मल्टीप्लाई कर देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये अब हो जाएगा ए बी प्लस ए बी बार। क्या अब ये मिन टर्म है? यस यस, ये अब मिन टर्म है, क्योंकि दोनों वेरिएबल प्रेजेंट हैं, ए बी का प्रोडक्ट प्रेजेंट है। और क्या बोला जा रहा है कि ईच वेरिएबल रिप्रेजेंटेड ईदर इन कॉम्प्लीमेंटेड और अनकॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म। तो चाहे आप कॉम्प्लीमेंटेड और अनकॉम्प्लीमेंटेड दोनों फॉर्म में लिखा जा सकता है, ठीक। अब थ्री वेरिएबल का एक बार देख लेते हैं। ए बी सी, और यहां पे हो जाएगा मिन टर्म रिप्रेजेंटेशन, ठीक। सो जीरो 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 वन 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 जीरो जीरो वन वन जीरो जीरो वन वन जीरो वन जीरो वन जीरो वन जीरो वन। ये पॉसिबल कॉम्बिनेशन हमारे पास बनते हैं ए बी और सी के, टोटल आठ कॉम्बिनेशन। ठीक, तो देखिए इसे कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा मिन टर्म्स में। ए बी और सी का जो प्रोडक्ट है वो तो रहेगा ही रहेगा, तीनों जीरो हैं, मतलब ए बार बी बार सी बार। फिर दूसरा ए बार बी बार सी, तीसरा ए बार बी सी बार, फिर क्या लिख सकते हैं, ए बार बी सी, ए बी बार सी बार, ए बी बार सी, ए बी सी बार, ए बी सी। और इसे एम वन एम टू एम थ्री एम फोर एम फाइव एम सिक्स एम सेवन एम एट, मिन टर्म को स्मॉल एम से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक। तो यहां से हमारे पास नोट क्या बन जाएगा, जब हमने दो वेरिएबल का एग्जांपल लिया था तो टोटल हमें कितने मिन टर्म मिल रहे थे, चार। जब हमने तीन वेरिएबल का एग्जांपल लिया तो टोटल हमें कितने मिन टर्म मिल रहे हैं, एम एट, मतलब आठ मिन टर्म। तो यहां से हम जनरलाइज कर लेते हैं कि अगर हमारे पास एन इनपुट वेरिएबल है फॉर एन इनपुट
वेरिएबल नंबर ऑफ मिन टर्म इज 2 की पावर n. बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक. और हर लॉजिक एक्सप्रेशन मिन टर्म्स के सम के साथ रिप्रेजेंट किया जा सकता है. ऐसा लिख लीजिएगा कि ईच लॉजिक एक्सप्रेशन कैन बी रिप्रेजेंटेड एज सम ऑफ मीन टर्म. कोई भी लॉजिक एक्सप्रेशन है तो उसे मीन टर्म के सम के साथ रिप्रेजेंट किया जा सकता है. ठीक, तो अब देखिएगा मैक्स टर्म देख लेते हैं. यहां तक कोई डाउट तो नहीं है ना, एक बार बता दीजिए मिन टर्म्स में कोई डाउट है? कमेंट करके बता सकते हो आप यस यस और नो, फिर हम चलते हैं मैक्स टर्म पे. चलिए, कोई डाउट नहीं है. Let us move on towards max term. देखिए मिन टर्म में क्या हो रहा था, हम सभी वेरिएबल्स का प्रोडक्ट ले रहे थे. यहां पे सभी वेरिएबल्स का सम लिया जाएगा, बस ये डिफरेंस है और एक छोटा सा अंतर है, वो देखेंगे आगे. बताइए क्या डाउट है? n रिप्रेजेंटेशन को हम n नोट से लिखना जरूरी नहीं है ना, मैंडेटरी नहीं है ना. मतलब मैं समझ नहीं रहा हूँ. ये n रिप्रेजेंटेशन जो आप दे रहे हैं ना, m1 m2 दे रहे हैं ना सर, उसको हम n नोट से शुरू करना है वो भी जरूरी नहीं है ना. n नोट से शुरू करना है मतलब n0 से नहीं, m0 वो जो आप मीन टर्म को साइड में एक रिप्रेजेंटेशन दिया है ना सर. सॉरी यहाँ पे, हाँ एक मिनट, आज क्या हो रहा है यार, ये छोटे मिस्टेक्स बहुत हो रही है. अच्छा हुआ आपने ध्यान दे दिया. M0 जैसे हमने यहाँ पे किया था, M0, M1, M2, M3, तो M0, M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7, टोटल हमारे पास 8 होने चाहिए. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ठीक, ग्रेट, थैंक यू वेरी मच. यहाँ पे जीरो से स्टार्ट करना होता है, M0, M1, M2, M3 ऐसा. ठीक, मैक्स टर्म की बात कर लेते हैं. तो मेन टर्म का जस्ट ऑपोजिट होता है, हाँ बताइए. ईच लॉजिक एक्सप्रेशन कैन बी रिप्रेजेंट एज सम ऑफ मेन टर्म. हाँ, तो ये जैसे कोई भी एक एग्जांपल यहाँ पे ले लीजिए, कोई भी लॉजिक एक्सप्रेशन है जैसे ए बी सी प्लस ए बार बी बार सी, रैंडम कुछ भी ले लीजिए ए बी सी बार, तो क्या आप इसे बोल सकते हो कि ये एक लॉजिक एक्सप्रेशन है? बोला जा सकता है. ठीक, ये हमारा कोई भी एक रैंडम लॉजिक एक्सप्रेशन का एग्जांपल है. और ये हम कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मिन टर्म्स के सम के साथ. ए बी सी क्या है? ए बी सी एक मिन टर्म है, ए बार बी बार सी भी एक मिन टर्म है, ए बी सी बार भी एक मिन टर्म है, और हमने इन तीनों मिन टर्म्स का क्या ले लिया है, सम ले लिया है. तो कोई भी लॉजिक एक्सप्रेशन को मिन टर्म्स के सम के साथ भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है. ठीक है सर.
कोई भी ऐसा देखिए आपको एग्जाम्पल ए बी सी ए बार बी बार सी, ये इसे लॉजिक एक्सप्रेशन बोला जाता है। मैक्स टर्म, मैक्स टर्म लिखिएगा, ईच मैक्स टर्म इज सम। देखिए डिफरेंस आ गया यहां पे, अ मेन टर्म इज द प्रोडक्ट बट द मैक्स टर्म इज द सम टर्म या सम दैट कंटेन ऑल द वेरिएबल। ये था प्रोडक्ट विच कंटेन ऑल द वेरिएबल, इट इज द सम दैट या ऐसा लिख लीजिए कि इट इज सॉरी ईच मैक्स टर्म इज द सम ऑफ ऑल द वेरिएबल्स ईदर इन कॉम्प्लीमेंटेड और अनकॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म। अनकॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म, तो यहां से आई होप आपको पता चल गया होगा। एक बार कमेंट करके बता दीजिए कि जो ऑडियो है वो आ रहा है। आ रहा है सर। पावर कट हो गया है तो मैं जो वेबकैम है वो ऑन नहीं कर रहा हूँ, नहीं तो फिर बफरिंग शुरू हो जाएगी। फोन से फोन के वाईफाई चला रहा हूँ, अभी जस्ट पावर कट हो गया है यहाँ पे तो वाईफाई चल नहीं रहा है। ठीक, तो करें कंटिन्यू करें। चलिए, so each max term is sum of all the variables either in complemented or uncomplemented form. तो हम सीधे देखते हैं three variable का, right? Three variable का आपको पता चल जाएगा तो आप two variable का खुद से कर सकते हो। तो a b c ये है हमारा a B, C और यहां पे लिख दीजिए आप मैक्स टर्म रिप्रेजेंटेशन। मैक्स टर्म रिप्रेजेंटेशन तो कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे? आठ कॉम्बिनेशन, एट कॉम्बिनेशन, जीरो 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 वन 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 जीरो जीरो वन वन जीरो जीरो वन वन जीरो
1 0 1 0 1 0 1. अब देखिए, मैक्स टर्म को हमेशा रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल एम से, मिन टर्म को हम रिप्रेजेंट कर रहे थे स्मॉल एम से, मैक्स टर्म को रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल एम से. और डिफरेंस क्या है, ये जितने भी वेरिएबल्स हैं उनका सम होता है. तो आपका जो सम है वो हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी. और डिफरेंस क्या था, एक और डिफरेंस छोटा सा, जीरो को बार से रिप्रेजेंट करते थे. ए की वैल्यू अगर जीरो है तो ए का कॉम्प्लीमेंट लेते थे, बट यहाँ पे उल्टा हो जाएगा. ए का वैल्यू अगर जीरो है तो कॉम्प्लीमेंट नहीं लिया जाएगा, अगर वन है तब कॉम्प्लीमेंट लिया जाएगा. ठीक, तो देखिए सेकंड के लिए भी ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू आ जाएगी. अब देखिए तीनों में से कौन सा वन है उसका कॉम्प्लीमेंट लिया जाएगा, अब जीरो का कॉम्प्लीमेंट नहीं लिया जाएगा. ए जीरो है सो नो कॉम्प्लीमेंट फॉर ए, बी जीरो है नो कॉम्प्लीमेंट फॉर ए, सी की वैल्यू वन है तो यहाँ पे हो जाएगा सी बार. ठीक, अब इसके लिए भी ए प्लस बी प्लस सी है, बी की वैल्यू वन है सो यहाँ पे बी का बार, ए प्लस बी प्लस सी, बी और सी दोनों वन है सो बी बार सी बार, ए प्लस बी प्लस सी, ए की वैल्यू वन है तो यहाँ पे हमारा ए का बार आ गया, ए प्लस बी प्लस सी, ए और सी दोनों वन है सो ए बार सी बार, ए प्लस बी प्लस सी, और ए और बी दोनों वन वन है सो ए बार बी बार, ए प्लस बी प्लस सी तीनों वन है सो ए बार बी बार सी बार. तो अब आपको क्या करना है, आगे इसको कैपिटल एम से, एक मैक्स टर्म को कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं. तो लिखिएगा एक ऐसा भी छोटा सा नोट कि ईच मैक्स टर्म इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एम, ईच मिन टर्म is represented by small m. ठीक, तो इसको हम किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कैपिटल एम जीरो, कैपिटल एम वन, कैपिटल एम टू, कैपिटल एम थ्री, कैपिटल एम फोर, कैपिटल एम फाइव, कैपिटल एम सिक्स, कैपिटल एम सेवन. टोटल कितने हो गए, एट हो रहे होंगे. ठीक, तो अगर हमारे पास n वेरिएबल है, n इनपुट वेरिएबल है, तो टोटल कितने मैक्स टर्म बनने चाहिए, 2 की पावर n, जैसा कि हमने इससे पहले वाले केस में देखा था. सो फॉर n वेरिएबल इनपुट टोटल पॉसिबल नंबर ऑफ मैक्स टर्म इज इक्वल टू 2 की पावर n. ठीक, और यहां पे हर लॉजिक एक्सप्रेशन को मैक्स टर्म के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है, या प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म. Each logic expression can be represented as product of
मैथ्स टर्म्स. सॉरी, देखिए मैक्स टर्म कोई भी लॉजिक एक्सप्रेशन है, उसे आप मैक्स टर्म्स के प्रोडक्ट के साथ रिप्रेजेंट कर सकते हैं या मिन टर्म्स के मिन टर्म्स के सम के साथ. तो मैं आपको एक बार एग्जांपल लेके दिखा देता हूं. यहां पे लिखेगा एग्जांपल, ए थ्री वेरिएबल लेते हैं हम एग्जांपल में, थ्री वेरिएबल. तो ये है ए बी, ए बी बार सी, कोई भी एग्जांपल रैंडम हम ले लेते हैं. ठीक, यह है पहला एग्जांपल. दूसरा एग्जांपल है ए प्लस बी प्लस सी, ए बार प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी बार, ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार. तो ये क्या है? यहां पे आप मुझे बताइएगा, ये x, ये है x टर्म, या ऐसा लीजिए ये है a टर्म, या कोई ऐसा एग्जांपल लेते हैं u v w x. तो यहां पे u v w एंड एक्स आर मेन टर्म्स और मैक्स टर्म्स. मेन टर्म आर मेन टर्म्स. ठीक, पी क्यू आर, पी क्यू एंड आर, ये क्या है? ये मैक्स टर्म्स हैं. ठीक, तो यहां से जो एग्जांपल वन है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एग्जांपल वन रिप्रेजेंट्स मिन टर्म्स यू वी डब्ल्यू एक्स, ये हैं हमारे मिन टर्म्स. और एग्जांपल वन क्या है? मेन टर्म्स का सम, रिप्रेजेंट्स द सम ऑफ मेन टर्म्स. एग्जांपल टू क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? पी क्यू और आर हमारे हैं मैक्स टर्म्स. तो हर मैक्स टर्म का ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? प्रोडक्ट. Product of max term. तो कल मैंने POS और SOP का जो concept है वो मैंने आपको सिखाया था. देखिए, तो example वन क्या है actual में? Products का sum. ठीक, तो इसे हम A B C, ए बी बार सी, ए बार बी सी, ये सारे क्या है? प्रोडक्ट्स, तीन वेरिएबल के प्रोडक्ट्स, और उनके सम का है ये टोटल एक्सप्रेशन. तो इसे हम प्रोडक्ट ऑफ सम या पीओएस फॉर्म भी बोलते हैं. ये क्या है? सम ऑफ प्रोडक्ट. सॉरी, मैंने उल्टा लिख दिया है, सम ऑफ प्रोडक्ट्स. ये प्रोडक्ट्स का एडिशन है जो पहला एग्जांपल है. तो ये हो जाएगा सम ऑफ प्रोडक्ट्स.
तो इसे एस ओ पी फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। और ये क्या है जो एग्जाम्पल टू है, एग्जाम्पल टू है सम्स का प्रोडक्ट, ठीक। तो प्रोडक्ट्स ऑफ सम, प्रोडक्ट ऑफ सम, या इसे पी ओ एस फॉर्म भी बोलते हैं। और इन दोनों एग्जाम्पल को क्या बोला जा सकता है, एग्जाम्पल वन एंड एग्जाम्पल टू आर सिंपली लॉजिक एक्सप्रेशंस तो ये जो एग्जाम्पल वन और एग्जाम्पल टू हैं, ये लॉजिक एक्सप्रेशंस हैं दोनों। और लॉजिक एक्सप्रेशन कोई सम ऑफ मिन टर्म्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसी को एस ओ पी और इसी को पी ओ एस बोलते हैं, ठीक। क्या चीज क्लियर हुई तो बताइए, फिर हम चलेंगे आगे। सॉरी, देखिए यहां तक एक बार मुझे बता दीजिए कि क्लियर है, फिर हम चलते हैं आगे। क्लियर है सर। क्लियर है, तो अब हम चलते हैं आगे। अब यहां से आपको क्या करना है, एक मैं क्वेश्चन देता हूं कि फाइंड द स्टैंडर्ड पीओएस फॉर्म ऑफ बिलो लॉजिक एक्सप्रेशन। जो नीचे हमें लॉजिक एक्सप्रेशन दिया गया है उसका स्टैंडर्ड पी ओ एस मतलब प्रोडक्ट ऑफ सम फाइंड करना है। तो ये है एफ ए बी सी इज इक्वल टू ए प्लस बी ए बार प्लस सी। तो क्या ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड पीओएस फॉर्म में है, बताइए। जी नहीं सर, नहीं है। स्टैंडर्ड पीओएस फॉर्म का मतलब क्या होता है, आपका जो क्वेश्चन है उसका पहला लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट देखिए क्या दिया गया है, एफ ए बी सी मतलब जो लॉजिक एक्सप्रेशन है उसमें तीन वेरिएबल्स प्रेजेंट है, तो तीनों वेरिएबल्स का सम होना जरूरी है। पहले पार्ट में क्या है, ए प्लस बी, सी एब्सेंट है। दूसरे में क्या दिया गया है, ए बार प्लस सी, बी एब्सेंट है। तो ये स्टैंडर्ड पीओएस फॉर्म नहीं है। स्टैंडर्ड पीओएस फॉर्म में तीनों चीजें प्रेजेंट होनी चाहिए, ए भी, बी भी और सी भी, अगर तीन वेरिएबल के लिए रिप्रेजेंट किया जा रहा है। तो देखिए इसको कैसे चेंज करेंगे, ए बी, ए प्लस बी प्लस जीरो कर सकते हैं, ए बार, बी एब्सेंट है यहां पे तो बी को जीरो लिख सकते हैं, ठीक। अब ए प्लस बी प्लस जीरो को क्या लिख सकते हैं हम, सी इंटू सी बार, जीरो होता है ये हम देख चुके हैं पहले, ए बार प्लस जीरो मतलब बी एब्सेंट है तो हम उसे बी और बी बार लिख सकते हैं प्लस सी, ठीक। अब देखिए इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करिए, ए प्लस बी प्लस सी सी बार
a bar plus c plus b into b bar. अब मैंने आपको एक प्रॉपर्टी करवाई होगी कल, अगर आपको याद है. चलिए एक बार इससे खुद से सॉल्व करके मुझे बताइए कि कौन सी प्रॉपर्टी मैंने आपको करवाई थी जो यहाँ पे एप्लीकेबल हो सकती है. यहाँ पे आप रिडंडेंट वाली जो लॉ है वो लगा सकते हो, बट रिडंडेंट वाले लॉ में मैंने आपको सिर्फ दो एक्सप्रेशन वाले बताए थे मतलब दो वेरिएबल वाले बताए थे. यहाँ पे आपको क्या देखना पड़ रहा है, यहाँ पे आपको तीन वेरिएबल वाले देखने पड़ रहे हैं. तो आपको सिंपली क्या करना है, मैं एक छोटा सा जो ट्रिक है वो बता देता हूँ. देखिए, ए प्लस बी प्लस सी सी बार है, तो इसको हम दो पार्ट में लिख सकते हैं, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी बार. ठीक, मतलब सी और सी बार को अलग अलग आप लिख सकते हो. दूसरा, जो दूसरा एक्सप्रेशन है उसे देखिए, ए बार प्लस सी प्लस पहला वाला टर्म That is B, A bar plus C, दूसरा वाला टर्म plus B bar. तो ये होगा आपका स्टैंडर्ड प्रोडक्ट ऑफ सम. स्टैंडर्ड प्रोडक्ट ऑफ सम. तो बताइए यहां पे जो ए बी सी की वैल्यू दी गई है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, जीरो से लेके सेवन तक के बीच में ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ए प्लस बी प्लस सी. एम नॉट, एम ओ सॉरी एम नॉट नहीं होगा ये, देखिए यहां पे मैंने कराया था, सही जा रहे हो आप, एम नॉट. ठीक, एम नॉट ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एम वन, जीरो जीरो वन, मतलब M1. ये रिप्रेजेंट कर रहा है एम वन. ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वन जीरो जीरो. ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एम फोर, एम फोर. ये है आपका वन जीरो वन. ये M5. क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है फोर एम फाइव टू वन एम फाइव. अब मुझे बताइए क्या ये स्टैंडर्ड प्रोडक्ट ऑफ सम है या नहीं है, यस और नो में बताइएगा. अभी जो हमने देखा उसमें जो मैक्स टर्म की वैल्यूज आ रही है वो कौन कौन सी आ रही है, जीरो, ये है वन, ये कितना आया था, फोर आया है, और ये आ जाएगा फाइव. ठीक, तो क्या ये बताइए क्या ये स्टैंडर्ड प्रोडक्ट ऑफ सम है. सर ये फोर टू वन के चलता, 8421 होता है ना, 8421 16. ये मैं अभी बताता हूं, पहले ये मुझे यहां तक बता दीजिए कि
क्या ये स्टैंडर्ड प्रोडक्ट ऑफ सम है इस क्वेश्चन के लिए? सर सी ए प्लस बी प्लस सी सी बार से ऐसा दो क्वेश्चन निकल जाता है, वो भी नहीं होंगे। ये मैंने कल आपको लॉ पढ़ाया था ना, एक जो मैंने आपको सारे लॉस पढ़ाए थे उसको एक बार अच्छे से पढ़िएगा, ये वाली चीज आपको आएगी समझ में। ठीक है सर। ठीक, ये रिडंडेंट रिडंडेंट प्रॉपर्टी से आता है। इस फॉर्म में हमने क्या किया, सी बार को रिडंडेंट एज्यूम कर लिया, मतलब सी बार को हटा दिया, तो क्या बचा, सिर्फ सी बचा। फिर हमने क्या किया, दूसरे एक्सप्रेशन में सी को रिडंडेंट मान लिया तो बचा क्या, सी बार। तो यहाँ पे सी बार, तो सर ये दोनों टर्म का प्रोडक्ट जो इसका बराबर होगा जो पहले वाला, ये हाँ ये प्रोडक्ट सम ऑफ प्रोडक्ट के फॉर्म में हमें लिखना है, सॉरी प्रोडक्ट ऑफ सम। सर आपने रिडंडेंट हटा के जो दो टर्म निकल गया ना एक टर्म से, हाँ दो टर्म में से एक टर्म आप हटा दीजिए यहाँ पे, आप दो दो प्रोडक्ट निकल गए ना, दो हाँ ये दो दो प्रोडक्ट, दो प्रोडक्ट निकल रहे हैं, सम टर्म वाला निकल गया ना एक ही सम टर्म से। हाँ दो प्रोडक्ट थे ना पहले सी और सी बार, तो उसमें से एक बार हमने क्या किया, सी को रिडंडेंट मान लिया तो क्या बचा, सी बार बचा। दूसरे बार में हमने सी बार को रिडंडेंट मान लिया तो क्या बचा, सी टर्म बचा। सर एम एम नोट और एम वन का प्रोडक्ट जो वो पहले वाला टर्म का बराबर है। हाँ ये दोनों इसी से निकला है, इसी का पार्ट है, वो दोनों इक्वल है, इक्वल है जो उसका बराबर है ना। हाँ हाँ इक्वल होगा ये। अब एक बार मुझे ये बता दीजिए क्या ये सही है या नहीं है। तो ये जो है ये गलत है। कहाँ पे गलती किया बताइए, हमने गलती यहाँ पे की है, आपको मैंने ये एक्सप्लेन करने के लिए किया है कि कभी ऐसी गलती मत करिएगा, अब आपको कभी भूलेगा नहीं, कि यहाँ पे देखिए हमने क्या किया, ए बी बी बार प्लस सी था, तो हमने क्या किया सी को यहाँ ट्रांसफर कर दिया और बी बी बार को यहाँ ट्रांसफर कर दिया। कौन सी प्रॉपर्टी थी ये? याद करिए कौन सी प्रॉपर्टी हमने लगाया, कम्यूटेटिव लॉ। ठीक, बट यहाँ पे कम्यूटेटिव लॉ आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं, आपको यहीं से रिडंडेंट प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी। देखिए कैसे, टाइम हो गया क्या नेक्स्ट क्लास का, एक बार देख लेते हैं, बस थोड़ा सा, बस इसको देख लेते हैं, बस थोड़ा सा और बचा है, बस जो कॉन्सेप्ट है वो देख लीजिए। हमें इसे शिफ्ट नहीं करना है, इसी फॉर्म में लिखना है, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी बार, यहाँ पे क्या करना है ए बार प्लस बी प्लस सी और ए बार प्लस बी बार प्लस सी, ए बी सी एक सीक्वेंस में आने चाहिए। तो ये क्या बन रहा है हमारा, एम जीरो एम वन वन जीरो जीरो, मतलब एम फोर वन वन जीरो, मतलब एम सिक्स, तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा, जीरो वन फोर सिक्स। ठीक, अब ये हमने ये कैसे लिया, एट फोर टू वन कैसे आया, ये हम कल डिस्कस कर लेंगे, इसे मैं बता दूंगा अगर कोई डाउट आएगा यहाँ पे। ठीक, एक चीज याद रखिएगा, जो स्टैंडर्ड पीओएस फॉर्म होता है वो ए बी और सी के सीक्वेंस में होना चाहिए, इससे पहले हम क्या कर रहे थे, ए सी और बी के सीक्वेंस में, जो कि गलत है, तो ये सीक्वेंस याद रखिएगा, आप याद रह जाएगा। ओके, ये शिफ्ट नहीं करना है, बी बी डैश को हमने यहां शिफ्ट कर दिया, सी को यहां शिफ्ट कर दिया, ये नहीं करना है, ए फिर बी फिर सी, ऐसा होना चाहिए तभी वो स्टैंडर्ड फॉर्म होगा। चलिए इसके आगे कल डिस्कस करते हैं। सर एसओपी के लिए भी सर यही पैटर्न रहना पड़ता, एबीसी एसओपी के लिए मैंने बताया था ना यहाँ पे, कल करवाऊंगा उस पर एक क्वेश्चन। यहाँ पे मैंने क्या बताया था कि ए मेन टर्म नहीं है,
तो हमें क्या करना पड़ेगा इसमें b प्लस b बार का मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा, तब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आएगा। तो इस पे बेस क्वेश्चन भी करेंगे, यहाँ पे एक एग्जांपल छोटा सा कराया मैंने, बट इस पे एक प्रॉपर क्वेश्चन करेंगे अपन। ठीक, इसमें देखिए दो वेरिएबल के लिए ए बी आ रहा है और ए बी बार आ रहा है, तो ये स्टैंडर्ड है, सिर्फ ए आ रहा है, ये स्टैंडर्ड नहीं है। चलिए, सो कल हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे, मिलते हैं कल की क्लास में। जो पीडीएफ है वो मैं शेयर कर देता हूँ। सो थैंक यू वेरी मच, नेक्स्ट क्लास का टाइम हो गया आपको।